और भाई देखिए यहाँ पर हमारी मुर्गियों ने अंडे दे दे के भाई कितने सारे इकट्ठे कर दिए। अरे कि दो एक महीने अंदाज वाले बता दे रहा, तू दो बता दे कितना महीने के अब तू क्या चलाए तो। दो ढाई महीने का दे। हाँ भाई इससे ज्यादा की थोड़ी नहीं बेगा कहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ भाई काफी ज्यादा अच्छा होंगे। और दोस्तों आज मैं इतना ज्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि भाई मेरा जो ड्रीम एनिमल है वो आने वाला है। और भाई आज की वीडियो में अभी हम सिर्फ उसको देखने के लिए जाएंगे और पसंद करेंगे कि हमें कौन सी पसंद आता है या फिर नहीं आता है या फिर नहीं आती। भाई अभी मैं आपको बताऊंगा कि नहीं कि मेल है या फिर फीमेल, लेकिन जब आप अगले लोग में देखेंगे तो भाई आपको पता चल जाएगा कि हम क्या लेके आ रहे हैं। अभी तो दोस्तों आपको पता तो चल जाएगा कि क्या लेके आ रहे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा भाई कौन सी लेके आ रहे हैं। देखिए भाई अभी मैं आपको क्या करता हूँ, अभी हमारा फार्म का अपडेट देता हूँ। देखिए यहाँ पर मुर्गी और इसके बच्चे अच्छी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इनको सोमवार से दोस्तों या फिर एक दो दिन बाद से इनको बाहर छोड़ना स्टार्ट कर दे, क्योंकि देखिए अभी भी मुर्गी इनको खुद लेके जा रही है और एक बार इनको बाहर छोड़ के देखते हैं खुद से मतलब चर फिर पाते भीगे। चलो पर नहीं यार दोस्तों मेरे हिसाब से ये उड़ नहीं पाएंगे और बेचारे कहीं पे माँ से बिछड़ जाएंगे तो और अलग समस्या हो जाएगी। तो अभी मैं इनको 8 से 10 दिन और अंदर रखूँगा, उसके बाद इनको बाहर छोड़ना स्टार्ट करेंगे। 10 दिन तो दोस्तों ज़्यादा हो जाएंगे, 8 दिन और इनको अंदर रख लेंगे। देखिए अभी देखिए अभी कितने एक्टिव है, थोड़े और एक्टिव हो जाएंगे। और भाई देखिए यहाँ पर हमारी मुर्गियों ने अंडे दे दे के भाई कितने सारे इकट्ठे कर दिए, ये देखिए। तो दोस्तों 5 से 6 अंडे इसके अंदर है, 10 से 12 अंडे घर पे भी रखे हुए हैं और इस बाल्टी के अंदर भी अंडे हैं। पता नहीं दोस्तों अब हमारी कोई सी भी मुर्गी कुड़क क्यों नहीं हो रही है। और यहाँ पर देखिए भाई हमारे जो फैंसी पिजन्स के बच्चे हैं, ये देखिए ये वाइट में बन रहा है और मतलब ये वाला तो प्योर वाइट में बन रहा है, लेकिन ये वाला देखिए हल्का हल्का यहाँ से इसके शोल्डर के यहाँ से ब्लैक कलर आ रहा है, यहाँ पूछ से इसका ब्लैक कलर आ रहा है। तो दोस्तों अभी इनके मैं पिंजरे में थोड़ी सी घास बिछाने की इच्छा हो रही है मेरी, पर मैं बिछाता नहीं हूँ क्योंकि इनको भाई कुछ हो भी सकता है, अगर हम घास बिछाते तो नर मादी छोड़ भी सकते हैं इनको। तो दोस्तों यही था यार हमारे फार्म का अपडेट, अभी मैं जाता हूँ वहां पर डायरेक्ट और डायरेक्ट आपको जाके मिलता हूँ। जगह कितनी जोर है अरे ये 5,000 बोल रहा है, मैं 4,500 बोल दे, अभी 500 को तो रखनी पड़ेगा, इतनी दूर आए हम तो फिर भाड़ो भी लागेगा, भाड़ो भी लागेगा। अरे खाली जे भी तो ये समझ लो 5-6 महीना बाद कर दी गाबण में, सफेद तो अभी तो अपन गिरे नहीं, पर ज्यादा महीना थोड़ी नहीं, 1.5 महीना होगा भाई, इससे ज्यादा की नहीं रहेगा। कितना अरे कि अंदाज बता दे रहा, तू बता दे कितना महीने का अब तू क्या चलाए तो। दो ढाई महीने का दे। हाँ भाई इससे ज्यादा की थोड़ी नहीं बेगा कहीं, अच्छा होगा कर 1.5 तो महीना तो हम भी मान ही रहे चलो बेगा भाई, 2-2.5 महीना होगा। दोस्तों देखिए अभी भाई हम दोनों गाय मुझे पसंद आ चुकी है, देखिए अभी आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। एक तो ये जो ब्लैक वाली छोटी वाली चल रही है ये, और एक जो वहाँ पर भाई बीच में बिना सिंह के मतलब छोटे सिंह की, एक वो दोनों काफी ज्यादा पसंद आ चुकी है और दोनों एक ही घर से लेके जा रहे हैं ताकि कम झगड़े करें आपस में। तो दोनों मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इन दोनों को पसंद करते हैं, इनको पेमेंट देके अब हम कल आएंगे लेने के लिए क्योंकि आज तो हमें कोई टेम्पो वगैरह मिल नहीं रहा था।